मस्जिद को फिर बनाया गया निशाना। मस्जिद के अंदर ही पूजा पाठ हवन कर शुद्ध किया। मुट्ठी भर भगवाधारियों की गुंडागर्दी आई सामने, एक और मस्जिद पर कर लिया कब्जा। मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने पर लगा दी पाबंदी, गुंडागर्दी की सारी अदक कर दी पार। ये हवन पूजन नहीं हो रहा है, बल्कि चुनाव जीतने की पहली सीढ़ी है, जो हर चुनाव में कमल छाप पार्टी करती रही। वही कर्नाटक में हो रहा है। कुछ मुट्ठी भर गुंडे पहुंच गए थे मस्जिद, मस्जिद पर कर लिया था कब्जा। टोपी वाले बस देखते ही रह गए और अंदर हवन पूजन और आरती होने लगी। मोहम्मद तनवीर नाम के ट्विटर यूजर ने वीडियो पोस्ट की है, जिसमें लिखा है कि कैसे हिंदुओं के नाम पर मस्जिद के अंदर तमाशा होता रहा। इस वीडियो को लेकर दावा किया गया कि यह वीडियो बेंगलुरु के मलाली मस्जिद का है, जहां कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया और जो हुआ वो आपके सामने है। पहले मस्जिद पर कब्जा किया गया और फिर पुजारियों की फौज बुला ली कि मौका अच्छा है, जब मुल्क के अलग अलग हिस्सों में पहले से ही मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है, ऐसे ही कब्जे की प्लानिंग बनाई जा रही है, तो एक मस्जिद और सही। तो जमा हो गए लोग, बाहर खड़े रह गए मुस्लिम और अंदर पूजा पाठ होती रही। इस वीडियो के साथ एक शख्स की तस्वीर भी भेजी गई है, जिसे लेकर दावा किया गया है कि वो कोई और नहीं बल्कि बीजेपी का विधायक भरत शेट्टी है। यानी कुल मिलाकर बीजेपी की देखरेख में बीजेपी के एजेंडे को जाती हुई सरकार में धरातल पर उतारने का काम किया जा रहा है। अगर सरकार बन गई तो भरत शेट्टी की बल्ले बल्ले, वरना कोई बात नहीं, देश की एक और मस्जिद अपने नाम तो कर ही। स्पेशल डेस्क द कंटा।